हेलो मंत्री जी नमस्कार, मैं रतन सेठ बोल रहा हूँ। वो जीवन सेठ भी अपना ही आदमी है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिलना चाहिए हर हाल में। बाकी सब फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करूंगा। क्यों रे कैट, कैसा है? कैसे क्या सेठ, वो अपने को कब कहाँ खत्म करेगा ये सोचकर मुझे अभी से बहुत डर लग रहा है सेठ। मैं क्या करूँ? गधे की औलाद, जिगर में दम होना चाहिए तब दुश्मन को डराओगे, नहीं तो खुद डर जाओगे। वो छोटा मोटा डरपोक दुश्मन नहीं है, वो बड़ा जिगर वाला है। मारे तो खत्म, छुए तो भस्म। राम भैया को खत्म करने वाले सभी ऊपर पहुंच चुके हैं, पता है क्या सेठ? अगर तुझमें दम ही नहीं है तो अंडरवर्ल्ड में तू काम कैसे करेगा? ए सेठ, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए इतनी बात कर रहे हो। ए बेटा, पी कर सो जा। अगर उसका नसीब खराब हुआ और वो मेरे हाथ लग गया तो समझो हमेशा के लिए खत्म। मुंबई मेरा एरिया है। तेरे जैसे फालतू कुत्ते का 10 बाय 10 का एरिया होगा, लेकिन मेरे लिए सारा महाराष्ट्र मेरा एरिया है, सारा देश ही मेरा है। ए मुंबई के मामा, मर्द की जरूरत गन नहीं, हिम्मत है। तुम्हें एक बात पता है क्या? ये के 47 स्टैंड गन, डबल बैरल गन आने से पहले ये महायोद्धाओं का शस्त्र था। अब तेरा गन पावर खत्म हुआ, अब जरा इसका पावर देख। कहाँ है आपकी टीचर? आएंगे, आप खींचिए। नेक्स्ट तुम आओ। तुम जाओ। मैडम आ गई। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आपके मैडम का फोटो निकालना है, लेकिन वो मेरे कैमरे में नहीं आएगी, बहुत हैवी साइज है। आपको पैसे से मतलब नहीं। हाँ। मैडम ने चंद्रमुखी के गेटअप में फोटो निकालने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। खींचिए खींचिए। कैमरा दो भाई, कैमरा दो भाई मेरा। अरे 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 अरे, कैमरा दो, कैमरा दो, कैमरा दो बोला ना। छोड़िए छोड़िए ना इसे, छोड़िए। इसे मार क्यों रहे हैं आप लोग? सर कैमरा मेरा है, मैडम को मारकर कैमरा छीनकर भाग रहा था, मांगा तो कैमरा नहीं दे रहा है। सर तुम्हें और कुछ दूंगा तो ये कैमरा मुझे दोगे तुम? चाय चाहिए क्या? भैया जरा एक गरम चाय देना। चलो हटो, रास्ता छोड़ो। ये मैं आपको दूंगा, वो आप मुझे दीजिए। लीजिए। ठीक है क्या, देख लीजिए। थैंक यू सर। दूसरों पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए ना। अरे मुंह पे डाल दिया, पागल कहीं का। मुंह पे गर्मा गर्म क्या डाल दिया तुमने तो। रुके 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 रुके। इसे मार खाने से बचाया, चाय दिलवाई, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। मेरे मुंह पे चाय फेंक दी इसने। ये क्या है इसे खुद ही पता नहीं, भले बुरे के बारे में इसे क्या पता। इसकी कोई भी गलती नहीं है। इसे देखकर हमें गुस्सा आया तो इनके और हमारे बीच क्या फर्क रह जाएगा। ये इसी गांव का है क्या? जी हाँ, इसके माँ बाप कोई नहीं है। ये ऐसे ही पागलों की तरह घूमता रहता है। इस गांव में इतने लोग हैं, सभी को मिलकर मदद करनी चाहिए ना। हर वक्त खाना मांगता है तो हम खाना खिलाते हैं। सिर्फ खाना ही काफी है क्या? और क्या कर सकते हैं। क्यों पंडित जी, जवान लड़का है, इसके भविष्य के बारे में कुछ सोचा है क्या? हाँ सच है, पूरे गांव में सभी की मदद करता रहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो ऐसा बन गया। डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे नहीं होता तो मैं खुद ही देख लूंगा। चलो। बच्चे सभी खा लिए? हाँ खा लिया है, छोटी भी सो गई है। क्यों जी, आप हंस क्यों रहे हैं? अपने गांव में वो जो गोपी है ना, हाँ? उसने आज अपने इंदर के मुंह पे चाय डाल दिया। हे भगवान। लेकिन अपना इंदर थोड़ा भी गुस्सा किए बगैर चुपचाप वहाँ खड़े सभी लोगों से एक सवाल पूछा। आप सभी उसे खाना खिलाते हैं, लेकिन आप में से कोई भी उसके जीवन के बारे में सोचा है क्या? वहाँ खड़े सभी चुपचाप देखते ही रह गए। उसे याद करके हंस रहा हूँ। वो कितनी भाषाएं जानता है पता है तुम्हें? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारे भाषाओं का ज्ञान है ऐसा लगता है। हाँ जी, आज की दुनिया में ऐसे लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है। पड़ोसियों के साथ भी अच्छे से हंसकर बातें करता है। ए रंगा जी, क्या कर रहे हो तुम? नहीं ऐसे मांजने से कालिक जाएगा क्या? सर पाउडर से मांजो तो जाएगा। ठीक है शास्त्री। अरे भगवान, आपने मुझे याद किया शास्त्री जी। आओ बेटा, कुएं का पानी बहुत खराब हो गया है, अंदर पंप लगाकर उसे बाहर निकालना है। ये काम करने वालों से काम करवाओ बेटा, और ये दाग वो टूटा हुआ भी रिपेयर करवा दो। मिस्त्री को बुलवाया हूँ, वो भी आएंगे। वैसे त्योहार, पूर्णिमा, मेले के समय बहुत से भक्त इस मंदिर में आते रहते हैं। उनकी मदद से मंगल आरती के पैसों से आने वाले पैसों में सब कुछ रिपेयर का खर्चा चलना चाहिए। अब पिताजी। जानकी, पैसे लाई हो क्या बेटी? लाई हूँ पिताजी। दो यहाँ। राम शास्त्री जी। कौन वर्दा? क्या? रुको आया। इंदर जी, इसमें 5,000 रुपए हैं, रिपेयर का सारा काम करवा के थोड़ा चूना उना करवा दो बेटा। मैं थोड़ा जाके आता हूँ। जल्दी आइए। रुको भाई। चलो चलते हैं। अंकल जी आएंगे ऐसा कहा? बस कहा है ना, आधा घंटा हुआ तो भी नहीं आएंगे। चलो मेरे साथ। चलो जी। देखो इसे रिपेयर कराए बिना कैसे छोड़ा है, इसे भी थोड़ा रिपेयर करवा दीजिए। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, सब खराब हो गया है। आप तो थोड़ा रिपेयर करवा दीजिए। मैं आपको अपना समझकर कह रही हूँ। आओ देखिए। हाँ? वहाँ 5वीं मंजिल है ना। हाँ। हम वहाँ पहले दिया जलाया करते थे, हम जब भी अपने घर से उसे देखते थे तो मंदिर में दिया बहुत सुंदर दिखाई देता था, लेकिन 4-5 सालों से सीढ़ियों की वजह से कोई भी दिया नहीं जलाता। मंदिर ने अपनी सुंदरता खो दी है। क्या कह रही हो जानकी? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे मंदिर की सीढ़ियों को रिपेयर करने के लिए कह रही हूँ। नहीं बेटी, सीढ़ियों को ठीक नहीं कराना होगा, उसमें हाथ डालें तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर सरकार को अर्जी दे तो वो लोन देंगे ना? अपना मंदिर किसी से कुछ भी नहीं ले सकता है बेटा। इंदर, अपने मंदिर के 10-15 दुकानें हैं बेटा यहाँ पर, वो सभी सही समय पे भाड़ा दे देंगे तो अपने मंदिर को अच्छी तरह से ठीक करवाया जा सकता है बेटा। मतलब भाड़ा कोई नहीं दे रहा है क्या? आज से 4 साल पहले ठीक समय से भाड़ा देते थे, बाद में सभी बदलकर दुकान का भाड़ा देना ही बंद कर दिए। पैसा मांगो तो कहते हैं मैं वो पार्टी का हूँ, ये पार्टी का हूँ, ये सब कहकर मुझे ही डरा देते हैं बेटा। पहले इंसान को इंसान धोखा देता था, अब उस भगवान को ही धोखा देना शुरू कर दिए हैं लोग। हेलो, मैं इंद्रा बात कर रहा हूँ। सभी खड़े होके क्या देख रहे? सुनिए, आइए यहाँ जल्दी से। क्या हुआ? अरे जल्दी से आइए ना। अरे क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अरे क्या हुआ माँ? अरे वहाँ देखो ना। अपने गांव के लड़कों को जिम्मेदारी समझ में आ गई, मंदिर के ऊपर दिया जलाया है। वो गांव वाले नहीं जलाए श्रीमती, अपनी जानकी इंदर से कही थी कि मंदिर के ऊपर हमें दिया जलाना है, इसलिए इंदर ने ही मंदिर में दिया जलाकर पूरे गांव के लिए रोशनी बन गया है। जा तू आ रे दिल में समा रे। ऐसा किया छाने लगी बस बेखुदी धीरे धीरे। कैसा ये दिन आया दिल मेरा इतराया। प्यार में देना ना धोखा तुम देखो ना जिना सुन सदा धड़कनों से मेरी। जा तू आ रे दिल में समा रे। या मौसम दे ये प्यार का मौसम दे। आया मौसम रे ये प्यार का मौसम रे। दीजिए। हाँ ठीक है। कितना? 20 रुपए। ये लो। ठीक है चलो। आज के बाद ठीक से वसूली करके देंगे। ठीक है ऐसा ही करेंगे। वो देखो राम शास्त्री जी। क्या है भाई कांता? आप ही के घर आ रहे थे आपसे मिलने के लिए। क्या बात है? 5 सालों से किराया नहीं दिया ना, इसलिए आपको देने के लिए सारी दुकानों का किराया एक साथ लाए हैं। कृपया माफ कीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मंदिर का जो भी काम है आप हमें बताइए ना, हम आकर करते हैं। अब से हर महीने का किराया हम लोग इकट्ठा करके आपके घर पहुंचा दिया करेंगे। लीजिए इसे। भगवान आपका भला करे। आता हूँ। ये सब कैसे हुआ पिताजी? पता नहीं बेटी, एक ही रात में इनका दिल कैसे बदल गया। देखो पहले वो काम खत्म करो। ठीक है भाई। इंदर तुम चलो, मैं। ठीक है भाई। कल ही मैंने तुमसे किराए की बात की थी, उसको क्या हुआ पता नहीं। पूरे 5 साल का किराया मुझे एक साथ दे दिया। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। आज के बाद मंदिर के बारे में किसी भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब मंदिर के काम को शान से करेंगे। पंडित जी आया, बस 2 मिनट में मिल के आता हूँ बेटी। ठीक है पिताजी। कौन है वो? कौन? जो लोग गाड़ी के पास खड़े हैं। पता नहीं। वो लोग आपकी तरफ देख रहे थे और आप उनकी तरफ देख रहे थे। पता नहीं। ठीक है। इंद्रा, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। आपने मंदिर में दिए जलाए, उसके लिए धन्यवाद। हम सभी को बहुत खुशी हुई। तुमने वहाँ दिया जलाकर सबके दिलों में दिया जला दिया। जानकी आई पिताजी, बाद में मंदिर में मिलूंगी। चलो जल्दी चलो आगे चलो। चढ़ने दो। मेरा बैग पास मत आना, काट डालूंगा। भैया इसको 10,000 रुपए बहुत मेहनत से कमाए हैं ये पैसे, प्लीज प्लीज बैग दे दो, बैग दे दो मेरा, ये मेहनत के पैसे हैं भैया। अगर कोई मेरे पास आया तो इसकी जान ले लूंगा। भैया मेरा बैग दिलवा दो, देखो ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे अगर ये पैसे घर लेकर नहीं गई तो। हाँ हाँ भैया मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरी बात का यकीन करो, मुझे ये पैसे घर ले जाने हैं भैया, प्लीज प्लीज भैया मेरा बैग दे दो प्लीज। तुम लोगों के भेजे में नहीं घुसता, मैं एक बार बोला तो। हाँ 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 भैया भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बैग दे दो। इंदर कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोटे में पानी लेके आ जा। पगली समझती ही नहीं है, जा पानी लेके आ। शास्त्री जी आज ही वो काम पूरा कर दीजिए। ठीक है ठीक है माँ, वो आ गए। इंदर यहाँ आ जाओ बेटा। अरे इतनी देर कहाँ चले गए थे? अपने जजमान कितनी देर से अपना इंतजार कर रहे हैं। तुम शर्ट निकाल के नीचे जाओ, जाओ और तुम मेरे साथ चलो। अरे तुम जाओ। शर्ट निकालने को क्यों कहा? मेरे पापा के साथ कुश्ती खेलने के लिए। हाँ। आज उपकर्म है, जनेऊ बदलना है ना, इसीलिए। मुझे दो। अरे 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 ऐसा नहीं, ऐसे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते अर्धातं आलिश्चमग्रं प्रतिबन्धशुद्धं यज्ञोपवीतं परमस्फुरीजः। ॐ वैश्वनाय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इंदर क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अरे आप मंत्र पढ़िए। श्रीमती पीने के लिए पानी दो जल्दी से जल्दी। हाँ देती हूँ, ये लो पियो बेटा। बिना खाए आग के सामने ज्यादा देर तक बैठा था ना, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ लगता है। टॉवल दो बेटी जल्दी दो। जी पिताजी। लो पोछ लो। अपने इंद्र को आग बर्दाश्त नहीं हुई लगता है। जब मैंने ध्यान दिया इस पर और बाद में देखा तो सारा बदन पसीने से भीगकर ऐसे तड़प रहा था कि मैं डर कर यहाँ लेकर आ गया। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। याद करो हरि को भक्ति से तुम लोग। ये गुलाब तेरे लिए, ये चंदन की खुशबू तेरे लिए। आ रही है। अरे ये लो, तुम्हें गुलाब पसंद है ना? मुझे गुलाबी रंग पसंद नहीं है। क्यों? मुझे बाजू के घर का रवि पसंद है। क्यों? वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, तेरी तरह घंटी नहीं बजाता। कभी न कभी मुझे भी गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, तब तुम देख लेना। मेरी शादी में आकर देख लेना। मंदिर में आने वाली मेरे दिल में नहीं आएगी क्या? कल तो एक औरत अपने पति की तबीयत ठीक होने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन ये क्यों कर रही है? पूछना पड़ेगा। अरे भगवान, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? खड़ा नहीं हूँ, देख रहा हूँ। क्या? वहां देखो। उसके घुटने से खून आ रहा है, तुम चुपचाप देख रहे हो। मना करना चाहिए था ना। जानकी, जानकी, ये क्या पागलपन है? पागल हो गई हो तुम? हाँ? घुटनों से खून बहाकर ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तकलीफ मुझे नहीं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। मेरे लिए तुम्हें दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं, लेकिन मुझे है। तुम जो सोच रही हो वो सब गलत सोच रही हो। आपके दिल में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ आप ही बसते हो। पहले मुझे तो सिर्फ ये पवित्र मंदिर, ये गांव का पता था, लेकिन अब आँख खोले तो आँखों के सामने, आँखें बंद किए तो दिल में भी सिर्फ आप ही दिखाई देते हो। ये लो, इसे लगा लो। आपके दिए हुए इस हल्दी से मेरा घाव तो हमेशा के लिए भर जाएगा, लेकिन मेरे दिल का घाव तो ठीक नहीं होगा ना इंद्र। इसे ठीक करने की दवा सिर्फ आपके पास है, आपके फैसले में है। आपके इस मौन ने मेरे दिल में जगह बनाई। भगवान के लिए आप मुझे कुछ तो बताइए, इस तरह मौन मत रखिए। आपके होने के लिए कितने भी साल हो मैं इंतजार करूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसी वक्त मैं जान दे दूंगी। Watch the flip side, feel the bass kick. Watch the flip side, touch the border. Watch the flip side, feel the bass kick. Push the tempo, yo, yo. Hey, Ram Shastri! मिस्टर राम शास्त्री! कौन है आप? ओह, क्षमा कीजिए, आपका परिचय हमें पता नहीं था। सरकारी आदमी है क्या? धोती पहनकर भिखारी की तरह रहने वाला, सूट बूट पहनकर आया है तो कौन है पता नहीं चला। श्रीमती, ये कौन है, तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे ये तो अपना मोटू है। हेलो, नॉट ओनली मोटू भाई, मिस्टर मोटू भाई। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी रामू। उसी को अंग्रेजी में कहा ना तूने। यू अंडरस्टैंड? हे भगवान, अरे क्या है ये? डरो नहीं, पता चला भाई, पता चला। टेक इट माई रेजिग्नेशन लेटर। अरे रे, जो काम कर रहे हो वो छोड़कर कहाँ जाओगे मोटू? अरे कौन सा बहुत बड़ा काम था? घंटी बजवाया तुम लोगों ने, बासी खाना दिया तुम लोगों ने, मरने तक यही रहूंगा क्या? नेवर नेवर रामू। ठीक है, ठीक है। हाथ में एक ऐसा लिफाफा है। दिस इज माई अपॉइंटमेंट लेटर। गवर्नमेंट जॉब है रामू। रुको, अभी मैं बात करती हूँ। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ए जी, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है लग रहा है। क्या ज्यादा? आज से मैं ज्यादा ही रहूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया हूँ। मुझसे कोई उलझा तो रास्ते रास्ते पे कर्फ्यू होगा, बस में आग लगेगी, घर पे पत्थर पड़ेगा। गवर्नमेंट ही मेरे जेब में पता है। क्या किस्मत है तेरी, अच्छे राजकुमार की तरह दिख रहे हो। ये लो, तुम्हारी खातिर गाजर का हलवा बनाई हूँ, लो खाओ। मैं घंटी बजाता था तो काला हाथी कहती थी, अब जब गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है तो राजकुमार कहकर मस्का लगा के अपनी पोती को मेरे गले बांधना चाहती हो क्या? ए ओल्ड आई एम गोल्ड, मेरे से शादी करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़कियां क्यों में खड़ी है। आई डोंट टच योर पोती होती, यू डोंट टच मी। मेरी बजाई हुई घंटी भगवान को सुनाई दी या नहीं, लेकिन उस गवर्नमेंट को जरूर सुनाई दी। ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो www.motubhai.com कहकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके ओके रामू, टेक दिस रेजिग्नेशन लेटर, बाय 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 बाय। ओके बाय। खाना अच्छा था। हाँ। दाल तुम्हें पसंद आई? हर बार यही पूछते हो। यूं ही मजाक किया, बैठो। अच्छा, आपका सफर कैसा था? वो बहुत अच्छा था। कितने दिन के लिए गए थे? 10 दिन के लिए गए थे। लीजिए। थैंक यू। अंकल अंकल, हमारा टूर एल्बम देखिए ना। देखिए देखिए, ब्यूटीफुल। ये हम्पी का विरुपाक्षी टेम्पल है, बहुत सुंदर। ये बेलूर का चन्ना के शव टेम्पल है। हमें पता है भाभी। ये कौन सा मंदिर है? ये श्रीरंग पटनम का रंगनाथ टेम्पल है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या बात है अमर? नथिंग। ये आदमी आपको मालूम है? हाँ, वो उस टेम्पल में काम करते थे, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम मालूम नहीं। हाँ, ये फोटो मुझे चाहिए। बिल्कुल, ले लीजिए। थैंक यू। मुंबई में खून करके मैसूर में जाकर छुप गया है। नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते शास्त्री जी। क्या साहब, आजकल आप तो मंदिर आना ही भूल गए हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्या कहूँ पंडित जी, जब से बाबू यादव को ले आकर अपने जेल में डाला हूँ तब से वहीं रहना पड़ता है, नहीं तो दूसरे को मारकर खत्म कर देता है। हाँ। बहुत ही खतरनाक है। अभी 15 अगस्त आने वाला है ना, कुछ लोगों को रिलीज करना है, उन्हीं लोगों की लिस्ट बना रहा था, इसलिए यहाँ नहीं आ सका। मतलब वो डॉक्टर मोहन को रिलीज कर रहे हैं क्या? क्या करे शास्त्री जी, अब तो जेल भी पॉलिटिक्स, क्रिमिनल्स, गुंडों का अड्डा बन गया है। जब भी हम अच्छे लोगों का लिस्ट बनाकर कोर्ट को भेजते हैं तो राजनेता लोग गुंडों को प्रपोज करते हैं। सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, और तो और सारे मुंबई को हिला कर रखने वाला खतरनाक गुंडा कैद भी रिलीज हो रहा है। इधर रखो। हाँ रुको भाई फोन। हेलो कैसे हो सेठ? अभी अभी मैं बाहर आया हूँ सेठ। हाँ ठीक है सेठ। हाँ बताइए सेठ आप कब आएंगे? सेठ मैं बाहर आ गया हूँ ना, सब कुछ दूर कर दूंगा सेठ, आप टेंशन मत लो सेठ, चाहे कोई भी हो। ओके ए, ये कौन है? पता नहीं भाई। इंद्रा, 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 भागो यार भागो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसका नाम इंदर कुमार। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है इंस्पेक्टर साहब। घर में रहने के लिए जगह दिए हो, उसे खाना खिलाया है, इतना होने के बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें? ये क्या कह रहे हो शास्त्री जी? आप मुझसे कितना भी पूछिए, कैसे भी पूछिए, मेरा सिर्फ एक ही जवाब रहेगा, वो है पता नहीं। मंत्र पढ़ने वाले मुंह से मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मेहरबानी करके मेरी बात का विश्वास कीजिए। नमस्ते इंस्पेक्टर। इनका इस खून के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। शंकर ने ऑलरेडी कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया। शंकर? शास्त्री जी, आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, इतना वक्त बीत जाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा, क्योंकि अब ये केस दूसरे रास्ते जा रहा है। शास्त्री जी, आप जा सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा। नमस्ते जी। शास्त्री जी, गाड़ी यहां पर है, आप बैठिए, घर तक ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, इतने दिन मंदिर के सीढ़ियों पे चलने वाले को आज पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पे चलना पड़ा। यही है क्या मदद करने वालों की हालत? आप गलत समझ रहे हैं, वैसा करना बहुत जरूरी था। नहीं, उसके उपकार बस। आप अभी गिर जाते। आज नहीं, मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। शास्त्री जी हैं क्या? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। बस तेरे बातों पे विश्वास करके दुखी हुआ हूं मैं। तेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं। बस करो, मेहरबानी करके तुम यहां से चले जाओ। आप मेरी बात तो सुनिए, उसने गलत किया था। सही गलत को सजा देने वाले तुम कौन हो? न्यायाधीश है ना? केले के पेड़ के जैसा काट डाला तुमने एक आदमी को। कैसे इंसान हो तुम? इंसानियत है क्या तुम में? कैसा वंश है तेरा? तेरी जात वात पूछे बिना तुम्हें घर में रखा मैंने, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। इस संप्रदाय वाले घर में मैंने तेरे जैसे हत्यारे को पनाह दिया। उस पाप को मैं कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं? हे भगवान, जाने को कहो इस पापी को यहाँ से। तुम्हें अच्छा आदमी समझकर अपने दिल में बहुत सी चाहते रखी थी, तुमने सब नाश कर दिया। हमारे परिवार का यही एक सहारा है, इन्हें किसी भी तकलीफ में मत उलझाओ, ताकि यहाँ से चले जाओ। एक हत्यारे के सामने परिवार की बात कर रही हो? अगर एक किसी अच्छे परिवार का होता तो ऐसा गिरा हुआ काम करता था क्या? अच्छे परिवार का है ही नहीं, कैसा परिवार तेरा? चुप चुप रहिए आप, अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जब से यहाँ आया हूँ तभी से देख रहा हूँ, हर बार वही बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? नहीं रहीम भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। बार बार कैसी बातें कर रहे हैं आप? परिवार परिवार, कैसा परिवार? आप ही का एक परिवार है क्या? इसका परिवार नहीं है? गया गया बोलकर चिल्ला रहे हैं। क्या गया है आपका? क्या गया है आपका? खो देने वाला ये है, खो देने वाला। चिल्लाए बिना, आवाज किए बिना कैसे खड़ा है? देखिए इसे, देखिए, इसके बारे में कुछ पता है आपको? पता है क्या? इस लड़के के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। इसके भाई के भरोसे बहुत से परिवार जिया करते थे। भाभी, हाँ? मैं जा रहा हूँ भाभी। ए रुको, नाश्ता लेकर आ रही हूँ, रुको। नहीं भाभी, ऑफिस का समय हो गया, वहीं होटल में खा लूंगा, प्लीज। मैं नाश्ता ला रही हूँ देवर जी, लो, मुंह खोलो, खाओ। ऐसी भी क्या जल्दी है? फॉरेन से डेलीगेट्स आए हैं भाभी, उनके साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सारे पेपर मुझे ही तैयार करने हैं। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? तुम्हारे भैया हजारों लोगों को काम देते हैं, तुम्हें दूसरों के पास काम करना कैसा लगेगा? अपना ही काम करोगे तो नहीं होगा क्या? होगा होगा। एक बात बताइए भाभी, आप जब से इस घर में आई हैं, मुझे एक छोटा सा काम भी करने दिया है क्या? मैं हंसता हूँ तो आप हंसती हैं, मैं रोता हूँ तो आप रोती हैं, मैं बीमार पड़ता हूं तो गांव के सारे लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारा काम आप खुद कर लेती हैं। मैं भी बच्चा हूँ क्या भाभी? तुम जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए तो बच्चे ही हो ना, तुम्हारे अलावा अपना है कौन? आपके सिवा मेरा कौन है भाभी? माँ बाप, भाई बहन, सब। आप और भैया ही तो है। मेम साहब घर पर नहीं है क्या? मेम साहब नहीं तो वो काम पर गए हैं। क्या हुआ? मेम साहब कल रात से मेरा पति घर पर नहीं आया। मेम साहब पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करना चाहिए था ना। पुलिस स्टेशन से गुम हो गए भैया। कल रात में पुलिस आके घर से लेके गए भैया, वो अब तक नहीं आए। मैंने सुबह जाकर पूछा तो पुलिस ने कहा उसको रात को ही छोड़ दिया भैया। मेम साहब कुछ कीजिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे आदमी को कुछ नहीं होगा, वो आएंगे। ठीक है मेम साहब। भाभी आप भी? ये राम का घर है, यहाँ पर हर किसी को न्याय मिलता है। ए साले, समझ में नहीं आता क्या? हा? बच्चों ने तेरी दुकान में मच्छी नहीं दी तो तू उन बच्चों को मारेगा और तूने उन बच्चों को मारकर उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट देकर और तू यहाँ आकर सो रहा है। ए, तो दिन में 3 बार नमक खाता है, तुझे इतना मस्ती है? जो 24 घंटे खाता है उसको कितना होगा? देख मेरी बात तू अपने भेजे में डाल ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? सुन, अगर 5 मिनट के अंदर मेरे लोग बाहर नहीं आए तो इधर ला। इंस्पेक्टर, मैं हरीश, उन्हें छोड़ दो, मैं बाद में बात करूंगा। मुझ पे भरोसा करने वालों का मैं नटराज हूँ, और दुश्मनी किया तो पता है ना तुझे, मैं यम का राजा। हाँ ठीक है, नोट कर लो। हरी, ये खून कैसा? भैया, भाई ने आकर मारा, राम भाई। कौन है ये रामा भाई? कौन है ये रामा भाई? नहीं सर, उसके बारे में आपको कुछ बाकी तो है, बहुत पावरफुल है सर। मैं आग खोलूंगा तो जलकर राख हो जाएगा। राख होने के लिए आप आग नहीं, वो सिगार नहीं, शेर है। शेर का शिकार करना है तो खाली बंदूक नहीं चलेगी, सर में दिमाग भी होना चाहिए, और वो मैं करूंगा। मैं सोचूंगा डैडी। ध्यान से चला, जल्दी गाड़ी घुमाओ, गाड़ी निकालो, जल्दी निकालो। रहीम, गाड़ी घुमाना। शिट, बच गया। इंद्रा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ भाभी। इंद्रा, तुम लोग ठीक हो ना? तुम लोग अंदर जाओ। रहीम भाई, गाड़ी निकालो। भैया कहाँ जा रहे हैं? उसे मारने। आज तक तो वो दूर से ही टच कर रहा था मुझे, आज सामने आके डायरेक्ट अटैक किया है, और मैं ऐसे छोड़ दूं क्या? उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। नहीं भैया, छोड़ दो उसे प्लीज। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा डर खत्म। नहीं भैया, दुश्मनी करते चलेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी। बाप बेटा बच्चे बूढ़े सारे खानदान में चलती चली जाएगी। इतने दिन जो किया सो किया, मेहरबानी करके छोड़ दो भैया। वो मुझ पर अटैक करता रहा और मैं चुप कर बैठा रहा हूँ, नहीं होगा मुझसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रहीम भाई, गाड़ी निकालो। रुकिए, मत जाइए। रुकिए रहीम भाई, क्या करना है? उन सभी को मारना है ना? लाइए, मैं जाऊंगा। कितनों को मारना है बताइए, 10 या 20? इंदिरा भाई, आप चुप रहिए। आपको क्यों ये सब क्यों? राम जी का भाई हूं ना मैं, जाता हूं, किनारे हटिए। इंदिरा, तुम्हें नहीं पसंद है तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे कुछ हो जाएगा ये सोचकर डर लग रहा है ना। 15 सालों से भाभी यह सब कुछ सह रही है भैया। मुझे तो इस गांव उस गांव फौरन भेज करके दूर रखा, लेकिन भाभी एक बेदिन सुकून की नींद सो सकी है क्या? आपके घर से बाहर जाकर आने तक खाना पानी छोड़ करके हर भगवान के पास मन्नत मांगती रहती हैं। भाभी की जरूरत ये बंगला, ये रेशमी साड़ी, पैसा और ये गहने नहीं है भैया। रहीम भाई, आपके घर में एक जवान बेटी है ना, उसकी जिंदगी के बारे में आपने कुछ सोचा है? उसके लिए मैं क्यों दिमाग खराब करूं? इन सब के लिए हमारे भाई मौजूद है ना, वो सब देख लेंगे। सुना आपने, आप हैं बस इसी भरोसे पर ये सभी जी रहे हैं। आपको जैसे लोग चाहिए वैसे हमें आप चाहिए भैया। लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हर बार ये झगड़ा, ये पंचायत, लड़ाई, ये सब हमें नहीं चाहिए भैया। गुनाह करने वालों को सजा देने के लिए पुलिस है, कोर्ट है, न्याय को बचाने के लिए न्यायाधीश है। कानून को हाथ में लेने की जिम्मेदारी आपको क्यों चाहिए भैया? हाथ जोड़ता हूं, ये सब छोड़ दीजिए भैया। इसके बाद भी आपको जाना हो तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहिए वैसा कीजिए, लेकिन एक बात, आपके घर वापस आने तक इस घर में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मंगला, ओए मंगला, क्या है? हाँ, वो मंजुनाथ आएगा, केस के बारे में बात करनी है उससे। क्या हुआ केस का, पूछना उससे। ठीक है। और रवि आए तो, बैंक में थोड़ा काम है, मेरे साथ आने को कहो उसे। ठीक है। मैंने बैंक में फोन किया था, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं आ जाएंगे। और मुनिया का फोन आया तो उसे माल लेकर मार्केट जाना है, उससे कहना वो मुझसे फोन पर बात करेगा। मैंने उन्हें बता दिया है, वो लोग ऑलरेडी बीच पर इंतजार कर रहे हैं। ओए, सारा काम तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूंगा? भैया थोड़ा आराम कर लिया करो। ओ, रेस्ट क्या? छोटे, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, आज संडे है, छुट्टी। ओहो, संडे को तुम्हारी छुट्टी होती है क्या? हेलो। हाँ बोलिए मंजुनाथ साहब जी, आपने बोट देखने के लिए कहा था ना, वो देख लिए हैं, बोट अच्छी कंडीशन में है। ठीक है मंजुनाथ, कल सुबह 10 बजे आता हूँ। हाँ। बात करके डील कर लेंगे। ओके ठीक है, ठीक है। भाई घर पे नहीं है क्या? हाँ भाई घर पे नहीं है क्या, ये पूछा? भैया क्या, वो बहुत बिजी हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो मेरे मोबाइल पे फोन करना। ठीक है, आज के लिए ना? हाँ बस आज के लिए, यही पूछा। नहीं, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। This is our chemical factory. This has a turnover of around 5,000 crore per year. This is our shipping company, which carry goods from Germany to India. By the way, gentlemen, this huge building in Malaysia is our trade center. That's it, gentlemen. Kishore, sir, अपनी कंपनी को अगर ये देखना चाहे तो दिखाने की तैयारी करो। ओके सर। इट्स नॉट नेसेसरी। सर, आपका एक्सप्लेन किया हुआ स्टाइल इन्हें पसंद आया। एक्सक्यूज मी, टुमारो मॉर्निंग वी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सर, एग्रीमेंट साइन करने के लिए कल सुबह कह रहे हैं। ओके Thank you very much, sir. With pleasure, sir. Thank you. Thank you. Okay, see you tomorrow morning. मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ सर. सर, इस ब्रेव केस में सब कुछ मैंने रख दिया है. यस सर. ओके सर. सर, किशोर 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 क्यों किशोर, कल आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्यों कह रहे हैं? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? कल है ना. 4000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां साइन हो गया तो 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा. कल सुबह ही पूरा कर देंगे कहा है ना सर. ऐसी फालतू बातें मत करो. अपनी ऑपोजिट पार्टी वाले ओवरनाइट बात करके काम खत्म कर देंगे तो 5000 करोड़ निकल जाएंगे. सर, अगर हम उन्हें अच्छी तरह टैकल करेंगे तो दूसरों को चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा. इंस्पेक्टर, मेरे होटल में आकर आपको हमारी लड़कियों को हाथ लगाने की हिम्मत कहां से आई? सॉरी सर, मैंने अपनी ड्यूटी की है. तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन आकर कहो. हेलो हेलो डैडी, क्या हुआ? हमारे होटल में पुलिस ने रेड मार दिया है. मुंबई की लड़कियों को अरेस्ट कर लिया है. कौन है वो इंस्पेक्टर? एन रमेश. फोन दो उसे. ओके डैडी. हेलो, ए रमेश, तुम मुझे 500 करोड़ दोगे क्या? लेकिन वो लड़कियां तो मुझे दे सकते हो. तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा. चुपचाप उन्हें छोड़ दो. सर, मैंने इसलिए अरेस्ट किया है कि डोंट एक्सप्लेन. मुझे कारण की जरूरत नहीं है. तुम्हें पैसा चाहिए, जितना चाहिए आकर ले जाओ. लड़कियों को छोड़ दो. सर सॉरी सर, ऊपर से बहुत प्रेशर है. नया कमिश्नर आया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. क्यों? सर, एफआईआर फाइल लिखना ही पड़ेगा सर, नहीं तो डिपार्टमेंट से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब तुम्हें एफआईआर बनाने के लिए 5 लड़कियां ही चाहिए ना? इतना ही ना? ठीक है, तुम स्टेशन पहुंचो. तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले 5 लड़कियां वहां पहुंच जाएंगी. राइट? हो गया सर. ये मुमकिन है क्या? इस दयानंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. एक कैट सुन. सर, आप बोलिए सर. ठीक है सर, ठीक है, बाय. हेलो सर, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है. वो जो नया कमिश्नर आया है, इस वजह से सभी भाग गए हैं. अब क्या करें सर? सेठ कहाँ है? फैक्ट्री में होगा. फैक्ट्री में? हेलो दयानंद जी, उस एग्रीमेंट को साइन किया है क्या? नहीं यार, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है. क्या दयानंद जी, एक्स्ट्रा कमीशन मांग रहे हैं क्या? कमीशन की प्रॉब्लम नहीं है यार, कमिश्नर की प्रॉब्लम. तेरी भेजी हुई मुंबई की लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. क्या हुआ? सेठ, एक काम करो, तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वाली 5 लड़कियों को भेजो. वो मुंबई की लड़कियों के बदले में इन लड़कियों को स्टेशन भेजो. दयानंद जी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी. वो क्या है ना कि एफआईआर करने के लिए ऐसे ही वो कल कोर्ट में बेल देकर उन्हें छुड़ा लेंगे. ओके, ठीक है ना? क्या सोच रहे हो सेठ? डोंट वरी दयानंद जी, सब कुछ अरेंज करूंगा. ओह गुड 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 गुड. अपना कैट आएगा, कैच करके भिजवा दो. गुड इवनिंग सर. आइए, देखिए सर ने नया फैक्ट्री ओपन किया है, आप इनके साथ जाइए और वहां से सारे अरेंजमेंट देखने के बाद वहां से अपने अपने घर चले जाइए। आप लोग सोच क्यों रहे हैं, घर जाने में कुछ देरी हुई तो सर आप लोगों को घर तक ड्रॉप भी कर देंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर, इट्स ओके। आइए बैठिए। ड्राइवर भैया, बड़े भैया तो कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं आए थे। पुलिस स्टेशन किस लिए है? आओ मेरे साथ। इस एरिया का मैं सर्कल इंस्पेक्टर हूँ, रमेश नायक। नमस्ते सर। ए, क्या देख रहे हो, डरा रहे हो? दादा हो तुम? नमस्कार सर। क्या है सर? क्या है तेरा? अपने एरिया की लड़कियाँ एक्सपोर्ट वॉच फैक्ट्री में काम कर रही थी, हमेशा 8 बजे तक घर आ जाती थी, आज अभी तक वापस नहीं आई। फैक्ट्री में फोन करके पूछा तो वो सब चली गई ऐसा बोला, इसलिए आपके पास कंप्लेन लिखानी है। जवान लड़कियां हैं, जल्दी एक्शन लीजिए सर। ठीक है, एक कंप्लेन लिखवा दो, सुबह देख लूंगा। ए राइटर सर, इनका एक कंप्लेन लिख दो। ठीक है सर, आप यहाँ आइए, ये लीजिए। लीजिए सर। थोड़ा जल्दी एक्शन। कंप्लेंट दियो ना, एक्शन रिएक्शन तो मुझे मत बताना, जाओ यहाँ से। भैया भैया भैया, प्रमिला भैया 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 भैया, आप सब यहाँ पे कैसे बहना? पता नहीं भैया, अचानक से हमें यहाँ लेके आए, हमें यहाँ से जल्दी ले चलिए भैया। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि इनको अंदर डाल दिया? रोड पे खड़े रहकर जिस्म का धंधा कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, भगवान की कसम हमें कुछ भी नहीं पता, ये लोग झूठ कह रहे हैं भैया। ये सब बहुत अच्छी लड़कियां हैं सर, ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगी, दया करके छोड़ दीजिए सर। तेरी बात मानने के लिए मैं तेरे घर का नौकर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। चलते बनाओ। मेहरबानी करके छोड़ दीजिए इनको, नहीं तो ठीक नहीं होगा। डरा रहा है मुझको, है? क्या कर लेगा ये बता। उनका और तेरा रिश्ता क्या है? मैं उनका भाई हूँ सर। भाई है या फिर पति है? दादागिरी करते हो, है? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? कमिश्नर को कंप्लेन करूंगा। कमिश्नर को कंप्लेन करेगा? जाओ कर। इनको कैसे यहाँ से ले जाकर देख लूंगा मैं। क्या सर ऐसे? क्यों रे, ऐसे कैसे देख रहा है? क्या सर ऐसी बातें क्यों? चुपचाप गया तो ठीक है, नहीं तो अंदर डालूंगा। सर मेरी बात सुनिए सर। तेरी बात सुनूं मैं? तूने किस पर हाथ उठाया जानता है तू? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओए सर नहीं सर, उसे छोड़ दीजिए सर, उसे पता नहीं था आप कौन है। ए, मुझे नहीं पहचानता कोई बात नहीं, लेकिन इसको रिपोर्ट तो लिखनी चाहिए थी ना। सॉरी सर, गलती हो गई, मैं उसे समझाता हूँ, आप उन्हें ले जाइए। ए, रिलीज करो। नहीं ठीक बोला। तुम्हें समझ में नहीं आता है? गलती करने वालों को छोड़कर उन लड़कियों को अंदर कर दिया तुमने। चंद सिक्कों के लिए डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। सॉरी सर। कामिनी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हमारी मान मर्यादा सब बर्बाद हो गई। और ये क्या कह रही है तू? ये देखो। अरे अरे, अगर माँ बाप ने ये देख लिया तो फांसी लगा कर जान दे देंगे। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? ये सब आजू बाजू वालों को पता चला तो हम मुँह कैसे दिखाएंगे? ये भगवान ने हमें कौन से गुनाहों की सजा दी है? सरकार, 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 रात में पुलिस चौकी में रही सारी लड़कियों ने आग लगा ली सरकार, सभी एक साथ जल गई सरकार, सभी एक साथ मर गई सरकार, सरकार देखिए मेरी बेटी की लाश देखिए सरकार, सरकार देखिए देखिए यहाँ मेरी बेटी जल के कैसे सोई हुई है। रहीम तेरी बेटी के लिए एक लड़का देखेंगे, शादी करेंगे, शादी करेंगे उसकी ये कहते थे, और मैं किसकी शादी करूं? मुझे छोड़कर चली गई। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। दूसरे फैक्ट्री में काम है, थोड़ी देर के लिए वहाँ जाना है, ये कहकर हमें वहाँ भेजा था सरकार। वो पुलिस वाले हमें जबरदस्ती ले गए थे वहाँ। इस हादसे के वो दयानंद और वो सारे पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। दयानंद, दयानंद आरोपी दयानंद आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए और स्वार्थ साधने के लिए कानून को अपने हाथ में लेकर प्रमिला, कावेरी, नंदिनी, जमीला और रूपरेखा नाम की 5 मासूम लड़कियों पर जिस्म फरोशी का आरोप लगाकर और पुलिस वाले उन्हें गैर कानूनी तरीके से हथकड़ी लगाकर उन लड़कियों का अपमान किया। इस वजह से उन लड़कियों ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये साबित होता है कि ये लोग कसूरवार हैं, इसलिए आईपीएस सेक्शन 304 के तहत ये अदालत मुजरिम को गुनहगार मानकर और इन सारे गुनहगारों को 10 साल की सजा सुनाती है। इस प्रकरण में भागकर गए हुए इन सारे मुजरिमों को रतन सेठ, हरीश और कैटराम नाम के गुनहगार को जल्द से जल्द बंदी बनाकर अदालत में हाजिर करना होगा। पुलिस को ये अदालत आदेश देती है। सर क्या है? दयानंद के आदमी को खाकी वर्दी वालों से, काले कोट वालों से कोई भी डर नहीं है, वही राम जी के आदमी से डरते हैं। जो भी हो आप उनसे मिल लीजिए। एक गुंडे से डरकर दूसरे गुंडे के पास रक्षा मांगने को कहते हो? नहीं सर, दया करके मेरी बात सुनिए, आपसे पहले राम जी के आदमी वहाँ आ गए होंगे। हाँ, वो सब कुछ नहीं चाहिए, 2 पुलिस वालों को मेरे घर पे ड्यूटी पर भेजिए। सर एक्सक्यूज मी। Yes. यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सभी भाग गए, चलो यहाँ से। मैं जो कहना चाहता था उसे रहीम भाई ने कह दिया। 2 और बचे हैं। सत्य और न्याय को बचाना है तो बाप बेटे दोनों को मारना होगा। सीबीआई अमर नारायण, मुंबई से आया हूँ। नमस्ते, बैठिए सर। थैंक यू। शास्त्री जी, आपकी रजामंदी से इंदर काम पर लगा था ना? उसके बारे में आपको सब पता है, बताइए। ये इंस्पेक्टर मुझे पुलिस स्टेशन ले गया था और पूछताछ करते समय सच में कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब सब कुछ पता है। कम ऑन, टेल मी, कौन है वो? अब कहाँ है? नहीं बताऊंगा। ए, उम्र में बड़े हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूं मैं। देखिए, खून करना बहुत बड़ा अपराध है और छिपाना उससे बड़ा अपराध। वो अब तक 2 कत्ल कर चुका है और कितने कत्ल करेगा पता नहीं। मारने दो। गुंडों और क्रिमिनल्स को पुलिस वाले शूट आउट करके मार गिराए तो उन्हें सम्मान करते हैं, प्रमोशन देते हैं। वही क्रिमिनल्स को एक सामान्य व्यक्ति मार गिराया तो उसे फांसी देने के लिए रात और दिन ढूंढ रहे हैं। ये कौन सा न्याय है साहब? यहाँ तेरी राम कहानी सुनने नहीं आया हूँ मैं। वो कहाँ है बताओ जल्दी मुझे। नहीं बताऊंगा। तुम बताओ या ना बताओ, मैं उसे पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। जिंदा मिलता है तो भी, इनकाउंटर करके तो भी। ऑफिसर, लेट्स गो। तुम्हें क्या, मेरा टेंशन मुझे है। इंद्र को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले ढूंढते हुए यहाँ आए थे। उन्हें अब ये सारी बातें बतानी है। अब वो कहाँ है किसको पता। हेलो हेलो, मैं जानकी। क्या बात है? आपको ढूंढते हुए पुलिस वाले हमारे यहाँ आए थे। अब क्या करूं? कुछ भी नहीं। पिताजी से बहुत पूछताछ की, लेकिन पिताजी ने कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए वो आपको पकड़ के ही रहेंगे ऐसे बोल कर गए हैं। वो है अमर नारायण, CBCID, मुंबई। तुम डरो मत, इतनी आसानी से मुझे नहीं पकड़ सकते। आप अगर नहीं मिले तो वो आपको एनकाउंटर में मार देंगे। मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों डर रही हो? मुझे डर लग रहा है। आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ, कितने भी साल हुए तो भी मैं आपका इंतजार करूंगी। आई लव यू इंद्रा, आई लव यू। हेलो, इंद्र है क्या? आप कौन? सर मैं उनका दोस्त चक्रधर बोल रहा हूँ, उनसे अर्जेंट बात करनी थी सर। नहीं, स्वर्ग में होंगे सर, मजाक मत कीजिए, मेहरबानी करके फोन दीजिए सर। लैंडलाइन से बात कर रहे हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं? लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ सर। वही लाइन लेकर तेरे गले में डाल के जोर से खींचो, सीधे स्वर्ग पहुँच जाओगे। फोन रखो, सर खा रहा है। कहो तो क्या चाहिए? तुम जानम हो, तुम मेरे हो, तुम कोई ना तुम सारे। जादू ये कैसा रे, जादू ये ऐसा रे, है प्यार जैसा रे। ये भी खुद में भी है प्यार की जहां में तुम ले चलो। तुम मेरे हो, तुम दिलबर हो, तुम जानम हो, तुम मेरे हो, तुम है। चाहो तुम हे बाहों में आओ तुम मेरी सांसों की धड़कन हो तुम साथ निभाना जीवन भर अब तुम। मदहोशी छाई है, दिल भी तो खोया है। आँखों में रख लो ना, पल के बंद कर लो ना। क्या हम करे ना करे ना करे ना करे ना करे। तुम जानम हो, तुम मेरे हो, तुम है। ये चाहत मेरी तुम है, हसरत मेरी तुम। मैंने तेरे नाम जिंदगी ये लिख दी, सुन मेरे दिल की सदा ओ सुंदरी। जो मैंने सोचा था वो पूरा हो गया रे, ना अब ना कुछ ना तेरी सुनूं बस मैं तेरी रहूं। दिल भर हो तुम जानम हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम दिल भर हो, तुम जानम हो, तुम मेरे हो तुम। हेलो सर, मोस्ट वेलकम सर। Sir, 1 minute. I'm Amar Nath from CBI. This is Vasudev. Hello, sir. Sir, you have to be very careful. आपके जान को खतरा है। पता है, जानते हुए भी आया हूँ। Anyway, we'll take care of you. How do you take care of me, gentlemen? वो मुझे खत्म कर देगा। फिर डेड बॉडी के बाजू में चौक पीस से लकीर खींचकर, फोटो निकालकर पोस्टमार्टम को भेज देते हो। पुलिस की कैपेसिटी मुझे अच्छी तरह पता है। सर, डोंट अंडरएस्टिमेट अस। आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप कोऑपरेट कीजिए। लुक जेंटलमैन, मेरी रक्षा करना मुझे अच्छी तरह आती है। मेरी परमिशन के बगैर मेरी जान कहीं नहीं जाएगी। अब आप जा सकते हैं, बाय। आपके पास ताकत हो तो पहले उसे पकड़िए। फॉलो इट, ऑल ऑफ यू, क्विक। Oh my God, it's terrible. मेरी बात नहीं माने ना, वो यही कहीं होगा। Come on, sir. हाँ? Hey, fire! Come on, fire! Come on! Chase him! चलो, chase him! Chase him! Come on! देख लिया ना, रास्ते में अगर मैंने गाड़ी नहीं बदला होता तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब तो मेरी बात सुनिए प्लीज। शिट सर, भाग गया सर। शिट! पिकनिक की तरह घूम कर आ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता वो सबको खत्म कर रहा है। अब वो हम सबको भी। ए ध्यान से सुनो, कुत्तों की तरह मत घूमो, कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ। वो कैसा है, कहाँ है, कब आता है, किसको पता नहीं चलेगा सर। वो कहाँ है, कैसा है कहकर हमें पता लगाना ही होगा। सर इतना आसान नहीं है, वो सुनामी की तरह है, उसको पकड़ना आसान नहीं होगा। पकड़ना आसान नहीं होगा। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर गलती हुई सर, सर 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 मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर इंद्रा चाहिए, जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। गिलासी दो, गिलासी तीन, गिलासी चार, एक गिलासी दो, गिलासी तीन, गिलासी चार। एक गिलासी दो, गिलासी तीन, गिलासी चार। भी बाहों में ले लो, मैं हूँ कुमारी, मैं हूँ तुम्हारी, नई नवेली है ये गोरी। आंखों से भी बाहों में ले लो, मैं हूँ कुमारी, मैं हूँ तुम्हारी। तुम्हारी नई नवेली है ये गोरी, आंखों से भी बाहों में ले लो, मैं हूँ कुमारी, मैं हूँ तुम्हारी। मैं हूँ तुम्हारी नई नवेली है ये गोरी, आंखों से भी बाहों में ले लो, मैं हूँ कुमारी, मैं हूँ तुम्हारी। बता, मुंह खोल। नमक का पानी पीकर बनाई हुई जान है ये, तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। सरकार का नमक खाया है मैंने, उन्हीं को धोखा दूंगा क्या? तू मेरी जान भी ले ले, चिंता नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। सरकार का सच्चा साथी हूँ मैं। सभी मिट्टी का बेटा मिट्टी का बेटा कहते हैं, ये नमक का बेटा कह रहा है। एक काम करेंगे इसके साथ, इसकी चाहत को पूरा कर देंगे। लाओ, ले आओ, मारूंगा इसको मैं। भैया नहीं, दयानंद कहाँ है? भाई वो मिनिस्टर के घर में है। क्यों भाइयों, क्या कर रहे हो? एक आदमी को पकड़ने के लिए हजारों पुलिस वाले, इंस्पेक्टर, मुंबई से एक सीबीआई ऑफिसर अलग से। आफ्टर ऑल एक लड़का स्टेट को, सेंट्रल को देशी चना खिला रहा है, शर्म आनी चाहिए आप सबको। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। सर फिर भी कुछ दिन फॉर सेफ्टी रीजंस दयानंद का रहना ठीक नहीं, आपके प्रोटेक्शन में रहने दीजिए। सर, वो मेरे गन पॉइंट पर है, उसे एनकाउंटर करके खत्म कर दूं क्या सर? नहीं नहीं, उसे कुछ मत करो, वहीं पर रुको तुम। हेलो हेलो, एक न्यायाधीश होकर आज मैंने न्याय को साक्षी मानकर न्याय तो किया, लेकिन तुम्हें बचा नहीं सका। कानून की नजर में तो तुम अपराधी साबित होते हो, लेकिन सामान्य आदमी की नजर से सोचे तो आज तुमने जो किया वो सही है। उस दिन न्याय को बचाने वाले एक न्यायाधीश के सारे परिवार को इन्हीं हाथों से बचाया है तुमने, लेकिन आज अनिवार्य होकर इन्हीं हाथों से हथकड़ी पहनानी पड़ी। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। नहीं सर, एक न्यायाधीश होकर आपने सही फैसला सुनाया है। मेरी नजर में मैंने जो किया सही हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में मैंने जो किया वो गलत है ना सर। गुनहगार को सजा दिलवाना आपका फर्ज है। इस समाज में लोग अपना फर्ज भूल सकते हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए सर, क्योंकि आज 100 करोड़ की आबादी में न्याय को बचाने का एक ही भरोसा है, वो आप लोग हैं सर।